का निर्णय लिया गया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कामना करते हैं जो हमारी महिलाएं को छूट गई हैं उनको भी आगे योजना आएगी तो उनको भी दिलाया जाएगा सिलेंडर। धन्यवाद। जय हिंद। जय अब हम चाहेंगे जो हमारी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान हैं श्री सुषमा चौरसिया जी। हाँ सॉरी सुषमा मौर्य जी, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी अपने विचार इस जिला। सबसे बड़ी चीज है सबसे महिलाएं क्यों परेशान होती थी क्योंकि उनके पास लकड़ियाँ मिलने के लिए और जंगलों में जाती थी, वो अपने लाती थी, खाना बनाती थी, पूरा दिन उनका बिजी होता था ना, तो अपने बच्चों को शिक्षा दे पाती थी क्योंकि पूरा दिन वो चूल्हा फूकने में और लकड़ियाँ बीनने में चुनने में लगा देती थी। प्रधानमंत्री ने इस पर बहुत ध्यान से गौर किया और वो गरीब महिलाओं के लिए उन्होंने निःशुल्क चूल्हा गैस उसमें बहुत बहुत सहयोग हमारी उमा दीदी से रहा क्योंकि वो उसे सहयोग कर रही है बिलो हार्दिक दिल से तन मन से वो सहयोग कर रही हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे 2019 आ रहा है, अगर एक बार आप सब मिलकर मौका दोगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तो हो सकता है हमारे लिए और योजनाएं लाते रहेंगे। पहले उन्होंने 5 करोड़ आज पूरे उत्तर भारत में गैस चूल्हा बांटे और फिर उन्होंने 3 करोड़ और बढ़ा दिए, 8 करोड़ हम बहनों को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है आज तक अगर हमारे प्रधानमंत्री जब से देश आजाद हुआ है लोग कहते थे देश आजाद हुआ, कहाँ से आजाद हुआ, हम बहनों को तो कोई आजादी नहीं मिली ना, हम बहनों को वही चूल्हा